हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोइट्रेस क्राफ्टी कैसल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक क्यूट सा DIY होम डेकोर विथ प्लांट प्रोपगेशन। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कैलेंडर का स्टैंड। ये एक टेबल कैलेंडर था और यहाँ पे एक क्लॉक लगा हुआ था और कुछ प्रिंट भी था यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसको मैंने टर्पेंटाइल ऑयल से पहले ही साफ़ कर लिया है और अभी थोड़ा सा मैं सैंडिंग कर रही हूँ सो डेट मैं इसमें पेंट कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक्रेलिक पेंट, बर्न शियाना और वाइट कलर। इन दोनों को मिक्स करके मैंने एक लाइट ब्राउन शेड बनाने का कोशिश किया है सो डेट स्टैंड के साथ वो लगभग मैच हो जाए। तो अभी ये पेंट हो चुका है। अभी मैं ले रही हूँ एक प्लास्टिक कैप और इस प्लास्टिक कैप को मैं इस क्लॉक के जगह में फिट करूँगी। ये एक एक्रेलिक पेंट का ही बॉटल का कैप है और ये बढ़िया से यहाँ पे फिट हो गया है। फैब्रिक्रिल का मोल्डेड क्ले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और इसी से मैं कुछ पेटल्स बना लूँगी और इस बॉटल कैप को मैं डेकोरेट करूँगी। तो मैं यहाँ पे एक फ्लावर बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैं कुछ पेटल्स बना ली हूँ और ग्लू के मदद से मैं इस कैप के ऊपर उस पेटल्स को यहाँ पर फिक्स कर लूँगी। और इस सबको फिक्स कर लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से ऊपर की तरफ मैं फोल्ड कर रही हूँ सो डेट इसका लुक थोड़ा अच्छा आ जाए। बीच में भी मैंने थोड़ा सा क्ले लगा दिया है और अभी इसमें कुछ डिटेलिंग मैं ऐड कर रही हूँ। पेटल्स में भी मैंने कुछ डिटेलिंग ऐड किया है और अभी मैं इसको सूखने के लिए रख दूँगी। थोड़ा थोड़ा पेटल्स को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देने से इसका लुक और भी अच्छा आएगा और इसको सूखने के लिए अभी रख देना है। जब तक फ्लावर सूखता है इस स्टैंड में मैं कुछ पेंटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ग्रास बना रही हूँ। ये बिल्कुल इजी है, आपको एकदम हल्के हाथ से सिर्फ एक पतला ब्रश से इसमें स्ट्रोक लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का दो अलग अलग शेड ले लिया है और उसी से मैं इसमें कुछ ग्रास का डिज़ाइंस बना रही हूँ और उसके ऊपर मैं छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना दूँगी। तो ये बन जाने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल मैंने पेंटिंग रखा है। क्ले अच्छे से सूख जाने के बाद इस फ्लावर को भी मैं व्हाइट एक्रेलिक पेंट से पेंट कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने येलो भी ऐड किया है और ये जब कलर अच्छे से सूख जाएगा तो एक कोट वार्निश का भी यहाँ पे लगा लेना है। और ये मैं ले रही हूँ एक्रेलिक पेंट का खाली बॉटल्स। तो इसको मैं क्या करूँगी, छोटे जो धागा आता है ना इसका मैक्रेमे रोप, तो उसी से मैं इसको टाई कर लूँगी और इन तीनों बॉटल को मैं अलग अलग लेंथ में मैं टाई करूँगी। और यहाँ पे मैक्रेमे रोप को मैं फेविकॉल ग्लू से ही सिक्योर कर रही हूँ। हॉट ग्लू लगाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये धागा बहुत पतला है और बॉटल भी बहुत छोटा है। मैंने तीनों बॉटल में पानी भर लिया है और अभी इसमें मैंने मनी प्लांट का एक एक कटिंग इसमें रख दी हूँ। किसी का तो रूट ऑलरेडी निकला हुआ है और जिसका नहीं निकला वो भी यहाँ पर निकल जाएगा रूट। और जो हम लोगों ने कैप में फ्लावर बनाया था उसको भी मैंने यहाँ पर फिट कर दिया। और ये जो स्टैंड है इसके ऊपर एक रॉड लगा हुआ है जिसके ऊपर वो कैलेंडर हैंग था, तो उसी रॉड में मैं अभी इन तीनों बॉटल को हैंग कर लूँगी। तो इस टाइप से मेरा एक क्यूट सा DIY प्रोपगेशन स्टेशन रेडी हो गया। और ये आप कॉर्नर में कहीं पर भी सजाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, टेबल के ऊपर भी आप रख सकते हो। आई होप आपको आज का ये DIY अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने लास्ट एक बेलकनी मेकओवर वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने लिखे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं इतनी खुश हूँ, मैं अभी बता भी नहीं पा रही हूँ, मतलब क्या बताऊँ, मुझे वर्ड्स ही नहीं आ रहा है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना मोटिवेट किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। तो मैं फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का कोशिश करूँगी और आप लोगों से मैं मिलती हूँ अपना अपकमिंग वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपने घर को सजाते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।